नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लद्दाख के कारगिल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका ये दौरा भारत जोड़ो यात्रा का ही हिस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे लद्दाख तक आना चाहते थे, लेकिन उस समय के बर्फीले मौसम के चलते उन्हें प्रशासन की तरफ से इसकी इजाजत नहीं मिली। इस दौरान उन्होंने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चीन पर केंद्र सरकार पूरा सच नहीं बता रही है। अपने दौरे में राहुल ने लद्दाख के लोगों की समस्याओं और उनके असल मुद्दों को समझने की कोशिश की। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE स्टार ब्रे वायट का 36 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गुरुवार को आखिरी सांस ली। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई है। WWE अधिकारी पॉल ट्रिपल एच लेवेस ने सोशल मीडिया पर वायट के निधन की जानकारी दी। पॉल लेवेस ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया, अभी WWE हॉल ऑफ फेमर माइक रोटुंडा का फोन आया, जिन्होंने हमें दुखद समाचार के बारे में बताया कि हमारे WWE परिवार के सदस्य विंडहैम रोटुंडा, जिन्हें ब्रे के नाम से भी जाना जाता है, वायट का आज अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है और हम चाहते हैं कि इस समय हर कोई उनकी निजता का सम्मान करे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक में पहले अपना लोगो तैयार कर लिया है। लोगो में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों के अतिरिक्त नीले रंग का प्रयोग होगा। 3 दिवसीय बैठक में पहले दिन 31 अगस्त को लोगो जारी होगा। इसी बैठक में सीट फार्मूला तय करने के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। जदयू सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के लिए 10 लोगो तैयार किए गए थे, इनमें से 1 लोगो पर सभी सहयोगियों ने सहमति दी है। लोगो में इंडिया के पहले 2 अक्षर आई और एन, केसरिया, बीच का 1 अक्षर डी सफेद और नीला, और अंतिम 2 अक्षर आई और ए हरे रंग में होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्याज निर्यात पर बढ़ाया गया शुल्क हटाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार चीनी निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार गुरुवार को पुणे जिले की पुरंदर तहसील में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्याज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। शरद पवार ने कहा कि देश से प्याज बड़ी संख्या में निर्यात किया जाता है, सरकार ने निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया है। भारतीय सूत्रों ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया कि भारत की मांग पर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत चीन के नेताओं के बीच बातचीत हुई। दरअसल चीन ने दावा किया कि ब्रिक्स सम्मेलन से इतर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के लिए भारत ने मांग की थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने चीन के दावे को यह कहकर खारिज कर दिया है कि लंबे समय से चीन की तरफ से ही बातचीत की पेशकश की जा रही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज लद्दाख दौरा पूरा कर कश्मीर घाटी के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के अनुसार आज करीब 2:30 बजे राहुल गांधी बाइक से सोनमार्ग पहुंचेंगे। यहां से आगे अन्य वाहन से राहुल गांधी 2 दिवसीय निजी यात्रा के लिए श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। यहां शनिवार को उनकी मां सोनिया गांधी भी उनसे मिलने पहुंचेंगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी के नेतृत्व में सोनमार्ग में राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के अनुसार सोनमार्ग से आगे उन्हें बाइक से जाने की अनुमति नहीं मिली है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत कैंसिल करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तो लालू प्रसाद के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 18 अगस्त को CBI ने रांची हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने 25 अगस्त को सुनवाई करने की बात कही थी। सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि राजद सुप्रीमो को राहत मिलेगी या उनकी जमानत रद्द हो जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली एक बार फिर विवादों में फंसते दिख रहे हैं। कोहली ने एशिया कप से पहले यूयू टेस्ट दिया था और इसमें 17.2 का स्कोर हासिल किया था। टेस्ट के बाद विराट ने अपनी फोटो शेयर की थी और बताया था कि उन्होंने यूयू टेस्ट में 17.2 का स्कोर हासिल किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कोहली की फिटनेस की जमकर तारीफ हुई, लेकिन BCCI के अधिकारियों को यह रास नहीं आया और सभी खिलाड़ियों को निर्देश दिए हैं कि गोपनीय जानकारियां किसी के साथ साझा न करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के प्रमुख शरद पवार ने एक बार पार्टी में विभाजन से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके और भतीजे अजीत पवार के बीच कोई लड़ाई या मतभेद नहीं है, वह पार्टी का ही हिस्सा है। दरअसल शरद पवार की बेटी और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एक दिन पहले कहा था कि अजीत पवार पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक है। सुले के बयान के एक दिन बाद शुक्रवार को पवार ने पूरे जिले में अपने गृहनगर बारामती में पत्रकारों से बात की। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को एडवांस मेडिकल सुविधा मिलेगी। किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को महज 10 मिनट में अस्पताल पहुंचाया जाएगा। साथ ही मरीज को रास्ते में उपयुक्त उपचार देने का प्रयास रहेगा। इसके लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस एडवांस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें तैनात स्वास्थ्यकर्मी प्राथमिक उपचार देने में माहिर होंगे। सम्मेलन के आयोजन स्थल से एम्स, सफदरगंज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आर्मी अस्पताल, लेडी हार्डिंग, लोकनायक सहित अन्य अस्पतालों तक स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर बनेंगे। इनकी मदद से पीड़ित को अधिकतम 10 मिनट में अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।